There are few more qualities of a good merchant bankers. Okay, let's see. Leadership. So a merchant banker should possess the skills of leadership. So he must know when to lead and when to be quiet. That is known as leadership quality. No, you should know when to start talking and guiding others, and when you should sit back and keep quiet. Okay, that is known as leadership quality. To interact with others, to interact with clients effectively and efficiently. That is known as leadership quality. Okay, next is aggressive action. Aggressive means you should have that power to understand when to take action, what is the proper time, what is the right time in which I can take an opportunity to enter into the market and penetrate into the market and bloom. समझ में आ रहा है? And flourish. समझ में आ रहा है? Aggressive action का मतलब, aggressive मतलब वो नहीं कि गुस्सा हो जाना, नहीं. यहाँ पे aggressiveness मतलब ये वो personality trait है, ये वो quality है जिसमें आप पता चलता है कि आप एक बहुत नॉलेज रखने वाले एक आप लीडर हैं, जिनको पता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कौन से टाइम पे आती है और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाना. समझ में आ रहा है? अब जैसे एग्जांपल, लुक एट दिस पेंडेमिक सिचुएशन. नाउ यू गाइस हैव गॉट सो मच टाइम बीइंग एट होम. यू आर फ्री, नो एग्जाम्स वर देयर, यू आर फ्री ऑल द टाइम. सो इंस्टेड ऑफ लाइक हैविंग अ फियर इन योर माइंड, आई नो देयर वर सो मेनी चैलेंजेस, बट टुगेदर विद दैट दोस चैलेंजेस देयर वर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट नॉक एट योर डोर. राइट? तो आप क्योंकि फ्री हैं तो नए नए कोर्सेस सीख सकते थे, है ना? आप क्योंकि बहुत सारा टाइम आपके पास था तो कंप्यूटर स्किल्स सीख सकते थे, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस कर सकते थे, है ना? कैसे किसी से बात करने का. सी, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट हाउ टू स्पीक टू अदर्स पोलाइटली, हाउ टू कन्वे योर मैसेज. ओके, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं. यस, इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज. ठीक है, तो आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे एनहांस करना है, ये सब चीजें आप सीख सकते थे ना. तो कौन से टाइम पे कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उस हिसाब से. यस, कोर्सेरा, वेरी गुड हलीमा, वेरी गुड. ओके, तो कौन से टाइम पे आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी सामने आई है. अ मर्चेंट बैंकर शुड नो हाउ टू नॉक दैट, हाउ टू ओपन दैट अपॉर्चुनिटी बिफोर बिफोर अस, एंड हाउ टू डील विद दैट अपॉर्चुनिटी. And is that particular opportunity is beneficial, is worth investing in? He should know that. Okay, accordingly he will take the actions, no? So that point is given here, aggressive action. Okay, next is it font clear to you? Should I otherwise change the color and options of background color? Is it okay with the color option? I hope it's visible to you properly. Yes. Yes. Yes, it is okay. Fine. चल आगे देखो. कॉर्पोरेशन एंड फ्रेंडलीनेस. सी, ही शुड ऑलवेज बी विथ टू कैरेक्टरिस्टिक्स. वन इज कॉर्पोरेशन, ही शुड ऑलवेज नो हाउ टू कॉपरेट विथ अवर क्लाइंट्स, विथ हिज क्लाइंट्स. ओके, एंड अदर, ही शुड ऑलवेज बी फ्रेंडली विथ हिज क्लाइंट्स. ही शुड नॉट बी सो स्ट्रिक्ट, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू डू हिज बिजनेस. ओके, सो फ्रेंडलीनेस एंड कोऑपरेशन मस्ट फॉलो एज अ नेचुरल ट्रेट. ही शुड नॉट बी फोर्स टू डू दैट, ही शुड डू इट बाय हिज ओन वे. समझ में आ रहा है? बिकॉज दैट डेवलप्स द ट्रस्ट, नो, विद इन द क्लाइंट्स, बिटवीन द क्लाइंट्स इट डेवलप्स द ट्रस्ट. बिकॉज यस, ही इज कोऑपरेटिंग मी, ही इज फ्रेंडली टू मी, ही एडजस्ट विथ मी, राइट? एंड सैटिस्फैक्ट्री सर्विसेस आर प्रोवाइडेड बाय अ मर्चेंट बैंकर. सो अ ट्रस्ट develops between merchant banker and the clients. ठीक है, कॉन्टैक्ट्स. मर्चेंट बैंकर के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, बहुत सारे वाइडर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होने चाहिए, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए. जैसे वो बैंकिंग कस्टमर्स को भी जानता है तो बैंकिंग ऑफिशियल्स को भी जानता है, इंश्योरेंस के ऑफिशियल्स को भी जानता है तो इंश्योरेंस के कस्टमर्स की भी जानकारी रखते है ना. सिर्फ बैंकिंग के क्राइटेरिया में उसको नॉलेज नहीं है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट फर्म्स,
पार्टनरशिप फर्म्स, आप जो बोलो उसके उसको उस बारे में नॉलेज होना चाहिए, मार्केट के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कौन सी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, कौन सी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है उसके बारे में, मतलब उसका जो नॉलेज का बेस है ना, कॉन्टेक्स्ट का बेस उसका स्ट्रांग होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशनल सेंट्रल यहाँ तक कि गवर्नमेंट के बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करना है तो मैं कैसे करूँ। तो कांटेक्ट होगा तो अप्रोच करेंगे ना, आपकी बड़े लेवल तक पहचान होगी तभी तो आप अप्रोच कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, है ना। तो अपनी पहचान होनी चाहिए, पहचान मतलब कांटेक्ट, रेफरेंसेस, ओके। एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जब आपकी कंपनी में ऐसे हिंड्रेंसेस आ जाते हैं, कभी लूप होल्स हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई प्रोजेक्ट ले लिया, कहाँ पैसे अटक गए, कैसे निकालने। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रॉपर वे एंड प्रॉपर फीडबैक इज द वे टू टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। सो ही शुड हैव दैट एटीट्यूड, ही शुड एटीट्यूड वैसा वाला नहीं, एटीट्यूड वैसा नहीं, एटीट्यूड मीन्स ही शुड हैव दैट बिहेवियर, ही शुड लर्न हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स पीसफुली, कामली, टू बाय कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली, एफिशिएंटली, है ना। दीज आर प्री रेक्विजिट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दीज आर प्री रेक्विजिट्स फॉर कीपिंग योर एटीट्यूड पॉजिटिव टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, ओके। दीज आर द प्री रेक्विजिट्स, मतलब ये जरूरी है, रेक्विजिट्स मतलब जो कुछ जरूरी होते हैं, समझ में आ रहा है, उसके कहते हैं प्री रेक्विजिट्स। सो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, कोई सर्कमस्टेंसेस की जो प्रॉब्लम, जो सर्कमस्टेंसेस में कोई सिचुएशन, आई मीन जो सर्कमस्टेंसेस में प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, उन वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दैट हैज बीन गिवन हियर, मतलब उनका जो ये ट्रेट है, उनकी जो क्वालिटी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनको है ना सिर्फ खुद से बैठ के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है ना, दूसरों से डील करना पड़ता है इनको। सो वेर एवर वी हैव टू डील विद अदर्स, इट इज इन इंट्रा पर्सनल बिहेवियर एंड इंटर पर्सनल बिहेवियर कम्स इन टू पिक्चर। वी से इंटर पर्सनल मीन्स एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। तो मर्चेंट बैंकर कभी भी खुद से बैठ के, अकेले बैठ के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं, ही हैज अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही हैज देयर क्लाइंट्स टू सिट विद एंड डिस्कस विद देम द प्रॉब्लम दैट हैज अरोज। समझ में आ रहा है। तो अब तो उसको दूसरों से कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए उसको, कि कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, पोलाइटली कम्युनिकेट करना है, कैसे अपना दिमाग यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, एक्सेट्रा। इनक्विजिट्स फॉर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सेट्रा। मर्चेंट बैंकर शुड नॉट लिमिट हिमसेल्फ टू अक्वायर सर्टन नॉलेज, सर्टन नॉलेज ऑफ सर्टन एरिया, पर्टिकुलर एरिया और अ पर्टिकुलर फील्ड, है ना। उसको इंक्विजिट होना चाहिए, मतलब उसका ना जो जो एक्वायर करने के लिए, स्किल्स को अक्वायर करने के लिए, इंफॉर्मेशन अक्वायर करने के लिए जो नॉलेज नॉलेज का बेस है ना, उसको वाइडन करना है, नैरो नहीं। मतलब उसको ये सोच के नहीं, जो मैं बस मैंने बैंकिंग की क्राइटेरिया की नॉलेज ले ली तो आई कैन बिकम अ मर्चेंट बैंकर, नो। ही शुड हैव नॉलेज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एरिया, ही शुड नॉट लिमिट हिमसेल्फ विद कलेक्टिंग अ पर्टिकुलर लर्निंग पर्टिकुलर स्किल्स, कलेक्टिंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड हैविंग पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, नो। ही शुड नॉट लिमिट हिमसेल्फ, उसको ये देखना है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जितना मैं नॉलेज ले सकूं, जितना मुझे क्या कहते हैं, जिस एरिया को मैं ज्यादा समझ सकूं, हर एक एरिया को, वो मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि मर्चेंट बैंकर सिर्फ एक एरिया की सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, वो बहुत सारे एरियाज की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उतना नॉलेज भी तो चाहिए ना मर्चेंट बैंकर को। तो इनक्विजिटिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ अ मर्चेंट बैंकर। इनक्विजिटिवनेस मीन्स he has the quality of acquiring new skills, new information, new knowledge at a wider level, not at a narrow level. Okay, did you get that point? Now, last part of the chapter is
responsibilities. Now, what are the responsibilities of the merchant banker? Responsibilities towards the investors, yes, because the one who is investing, he is the owner of the company, of course. And the one who is owner of the company, he is giving you the responsibility to manage the company, to see where our funds can be allocated, to see how funds can be grown in the market. So you have the responsibility to flourish the business of the investor, right? Therefore, you are responsible to the investor. Yes. Second, capital restructuring. You have the responsibility to restructure the capital, to structure the capital. Maybe in the form of equity and debt mix. Maybe in the form of only equity. Maybe in the form of only debt. Okay, but mostly every company goes with hybrid part of capital structuring. Hybrid part is mix of equity and debt. So merchant banker will help you out. He has a responsibility. He has taken the responsibility of looking after to your capital structure. Okay, uska size, uska control power, uska cost of capital kitna hona chahiye, debentures ko kitna rate of interest dena hai, preference ko kitna dividend dena hai, etc. ठीक है, वो उससे कहती है मतलब capital structure में बहुत सारी चीजें आती है. हम वो chapter में बहुत आगे पढ़ भी चुके हैं, आज भी पढ़े हैं, फिर से ये point आई है. तो अब ज्यादा मैं अभी उसको उसके ऊपर elaborate नहीं करूंगी because हम कर चुके हैं पहले. Next है project evaluation and due diligence. Due diligence and project evaluation is a major responsibility of merchant banker. Why? Because the project has already been appraised by the bank or financial institution. अब उस project पे पैसे किसने लगाए हैं? Bank ने. मतलब अभी आपके पास दो दो responsibility हो गई. Due diligence मतलब अब आपके पास diligence का मतलब होता है आपकी जो responsibility है ना, वो risk जब आप दो parties को एक साथ represent करते हो, मतलब आपकी कंपनी जिसके लिए आप ये प्रोजेक्ट के पैसे लगा रहे हो, वो कंपनी जिसके लिए आप एडवाइस कर रहे हो कि इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने चाहिए, इसमें नहीं लगाने चाहिए, एक तो एक कंपनी को आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है. दूसरा, जब वो कंपनी के पास फंड शॉर्ट में थे तो आपने बैंक से लोन अरेंज करके दिया ना, तो अब बैंक का पैसा लगा हुआ है उस प्रोजेक्ट में, प्लस वो बैंक का जो लोन लिया था वो उस कौन सी कंपनी ने लिया था उसके लिए भी आप लायबल हो. Are you that समझ में? Now you are liable for bank from which you have taken the loan to invest in that particular project and also to that particular investor or the company जिसका ये project actually है, to whom this project belongs. समझ में आ रहा है? The project belongs to that particular company. तो company के ऊपर भी तो आपकी responsibility है कि वो project सही से है, viable है कि नहीं है, future के लिए वो worth है कि नहीं है. अगर फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट वर्थ ही नहीं हुआ, आपने उतनी रिसर्च ही नहीं करी होगी, तो मैंने मर्चेंट बैंकर रखा है कि अपॉइंट ही क्यों किया? उसका काम ही यही है आपको सही जगह पे सही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके देना. आई बात समझ में? टुगेदर विद दैट, इफ फंड्स कम पड़ जाते तो मर्चेंट बैंकर आपको बैंक से लोन खरीद कर देते, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा भी उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, और ये वही प्रोजेक्ट है जो कंपनी ने आपके बोलने पे पैसा इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट में, ठीक है. नेक्स्ट इज लीगल एस्पेक्ट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. लीगल मैटर्स में आपको कंप्लायंस पूरा करने में हेल्प करते हैं, मतलब सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करने में, और क्या कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कुछ कंप्लायंस में डील करना है वो करके देंगे मर्चेंट बैंकर आपको. बैंक से कुछ लेन देन करनी है, मतलब किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ आपको डील करना है, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, ठीक है, तो उसके साथ डील करने में आपकी कौन हेल्प करेगा? मर्चेंट बैंकर. सो मर्चेंट बैंकर इज रेस्पॉन्सिबल नो आफ्टर ऑल. वो देखेगा कि आपके टैक्स लाइबिलिटीज पेंडिंग कितने हैं, कोई क्रिमिनल कोई सूट चल रहा है आपके ऊपर, कोई केस फाइल हुआ है, सिविल सिविल प्रोसिक्यूशन कोई फाइल हुआ है, कोई केस फाइल हुआ है, ऐसा कुछ तो वो देख लेगा आपके लिए. कोई किसी डायरेक्टर के ऊपर केस फाइल हुआ है वो देख लेगा आपके लिए, है ना. वो लीगल मैटर्स सारे जो भी कहो लीगल मैटर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ठीक है. आगे देखो प्राइसिंग ऑफ द इशू. प्राइसिंग ऑफ द इशू मतलब
जो इशू करते हैं ना, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इशू मैनेजमेंट, वो 11। इशू मैनेजमेंट में प्राइस भी तो आ गया कि बुक वैल्यू कितना, प्राइस कितने, फेस वैल्यू कितना होना चाहिए, मार्केट पे कितने प्राइस पे हमको शेयर किस टाइम पे इशू करने हैं, कब डिस्काउंट देना है ना, कब प्रीमियम पे चार्ज करना है शेयर को, है ना। ये वही हो गया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मार्केटिंग ऑफ द इशू। अच्छा, अब मुझे इशू करनी है, शेयर्स इशू करने हैं, म्यूचुअल फंड्स इशू करने हैं, बॉन्ड्स इशू करने हैं, वो किसी भी तरीके के बॉन्ड्स हो सकते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स, एनआरआई बॉन्ड्स, कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब मुझे इशू करने हैं, तो इशू करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है ना। जब तक मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा ये म्यूचुअल फंड नए मार्केट में आए हैं, तो उसकी मार्केटिंग भी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्चेंट बैंक। ठीक है, बॉट आउट डील्स। अब ये बॉट आउट डील्स क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ होलसेल बट आउट ऑफ पब्लिक ऑफरिंग बाय मर्चेंट बैंकर स्टार्टेड ऑफ विद ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वेर अ मर्चेंट बैंकर एक्ट एज अ स्पॉन्सर। अब वो सिर्फ स्पॉन्सर करेगा आपको, मतलब आपके आपके इसमें प्रोजेक्ट, समझो आपने न्यू प्रोजेक्ट या न्यू प्रोडक्ट, क्या कहते हैं उसे, इन्वेंट करना है, ठीक है, या न्यू प्रोजेक्ट लेना है, उसमें वो स्पॉन्सर करेगा, पैसे लगाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं, पैसे लगाएगा। अब वो उसका काम है देखना कि वो पैसे बढ़ेंगे कैसे, कंपनी नहीं देखेगी, है ना, मर्चेंट बैंकर ही तो देखेगा, उसने स्पॉन्सर किया है ना आपको, वो स्पॉन्सर करेगा, टेक द एंटायर इशू, या तो वो एंटायर इशू आपसे ले लेगा या तो उसका एक पार्ट ले लेगा, ठीक है, एज अ को इन्वेस्टर बनके, ठीक है। फिर आगे चल के वो देखेगा कि ये डील को बेचना है कि इसको और इन्वेस्ट करना है, फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर इसमें से कैसे अपने प्रॉफिट को फेच करना है। अब मर्चेंट बैंकर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंट बैंकर की होती है, इसे कहते हैं बॉट आउट डील्स, मतलब ओवर द काउंटर आपसे आपके साथ कुछ स्पॉन्सरशिप ले लेगा, मतलब किसी प्रोडक्ट में स्पॉन्सर कर लिया आपको, जैसे अपना नाम दे दिया प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको अपना नाम दे दिया तो एक गुडविल बन जाती है ना प्रोडक्ट की, जब कोई अगर इस्टेब्लिश्ड कोई कंपनी आपको अपना नाम दे देती है, सेटअप कोई कंपनी होती है जिनकी, ठीक है, तो अगर अब आपको अपना नाम दे देंगे, मतलब स्पॉन्सरशिप दे दिया, या फंड्स में या गुडविल के फॉर्म में, कैसे भी हो सकती है स्पॉन्सरशिप, दो टाइप्स की होती है, कैश, कैश इन काइंड, मतलब कैश में भी हो सकता है, कैश इन काइंड में भी हो सकता है। आई बात समझ में? आपको अपनी गुडविल दे दी, गुडविल बेची भी जा सकती है, आपको पता होगा ये, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश इन काइंड। तो स्पॉन्सरशिप दे दी इधर होली और जॉइंटली विद द को इन्वेस्टर्स, या तो आपके साथ मिलके या फिर पूरा का पूरा जॉइंटली वो खुद ओन करेगा, ठीक है। फिर आगे चल के वो मर्चेंट बैंकर देख लेगा कि इस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट को मुझे डील कैसे करना है, कैसे इसमें से ज्यादा प्रॉफिट फेच हो, वो मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये थे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवन टाइप्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सेवन पॉइंट्स थे। लास्ट वी हैव कंक्लूजन। सो इन शॉर्ट इन्होंने यही बताया कंक्लूजन में, इट्स इट प्लेज अ वाइटल रोल इन चैनलाइजिंग द फाइनेंशियल सर्विस, मतलब ऐसी जगह पे आपके फंड्स को चैनलाइज करता है जिसमें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। सो बिफोर सिलेक्टिंग अ मर्चेंट बैंकर वन शुड डिसाइड द सर्विस फॉर विच बीइंग दे आर अप्रोच्ड फॉर, मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस आपको लेनी है, उस हिसाब से मर्चेंट बैंकर को अप्रोच करना है। ओके, इट कैन बी सेड दैट प्रोजेक्ट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड एवरी डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट। अब जो भी हमने ये पढ़ा ना, इसमें से जो भी हमने कुछ अभी तक मर्चेंट बैंकिंग के डिटेल में पढ़ा, स्लाइड में पढ़ा, वो इसमें इतना समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में इसका जो स्कोप है ना, वो बहुत अच्छा है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इतना तो समझ गया हमको, ये बता रहे थे, ठीक है। हेंस मर्चेंट बैंकर कैन बी कंसिडर्ड एज इसेंशियल फाइनेंशियल बॉडी इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज ही प्रोवाइड यू वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, therefore merchant banker is considered as a essential financial body, ठीक है। अगर ये नहीं होगा ना तो आपकी बहुत सारी financial services जो experts आपको provide करते हैं वो कौन करेगा, merchant banker provide करते हैं ना बहुत सारी essential services, जैसे international finance में deal करना है ना, तो merchant banker provide करता है, he has that knowledge, expert है वो उस field में,
है ना, तो वो हाँ मतलब उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो भी नहीं होगी अल्टीमेटली, वो तो बहुत लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है। पहले तो मेरा बिजनेस ही ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, एक बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, दूसरी गुड्स सप्लाई नहीं होंगे, गुड्स सप्लाई नहीं होंगे डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी गुड्स होंगे ही नहीं, कोई खरीदना बेचना वो इतना होगा नहीं, है ना, तो इकोनॉमी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है बहुत, ठीक है। ओके, सो ओवरऑल व्हाट वी हैव स्टार्टेड इन मर्चेंट बैंकिंग उसका ये कंक्लूजन पार्ट में दिया हुआ, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसका जनरल अवेयरनेस वो कैसे क्रिएट करते हैं, और कितना ग्रोइंग एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए मर्चेंट बैंकिंग, दैट हैज बीन गिवन। सो यू टेल मी वी आर डन विद द चैप्टर, सो फार इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन क्लियर, अदरवाइज वी आर डन विद द चैप्टर, फ्रॉम माई साइड आई एम डन, यू गाइज लेट मी नो इफ यू हैव एनी। Yes, do you have any doubts? No? Or yes, tell me. और भी कुछ डाउट्स हैं तो पूछो, वैसे मेरी तरफ से ये चैप्टर हो गया, सो शैल वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।